जय हिंद दोस्तों, अनिल सारे टीचर आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 3115 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुके दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा रहा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि फॉर्म भी भरा रहा है, भरने का प्रोसेस भी। साथ ही साथ हमने आपको कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा है। और आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला न्यू सर आई टी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा, तो यहाँ रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन पे ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा, तो वहां पर कल हम फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। जिसका फॉर्म जब भर रहे थे, तो उसमें 8 क्लास का जो नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको फिलअप करना बहुत जरूरी था। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम इस पर कंप्लेन जरूर करेंगे और जरूर उसको हटाया जाएगा, 100% ये हटाया जाएगा। फाइनली 8 क्लास का जो मार्क्स है उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, जरूरी नहीं है। आप 8 क्लास का जो मार्क्स है उसको आप जरूरी नहीं है डालना, सिर्फ और सिर्फ 10th और आईटीआई का मार्क्स यहाँ पर एंटर करना इंपॉर्टेंट है। एक बार वेल्डर ट्रेड का देख लेते हैं, वेल्डर ट्रेड का यहाँ पे एंटर करते हैं। और यहाँ पर वेल्डर का भी जरूरी नहीं कहा गया है। जो कैंडिडेट जो है 10th और आईटीआई का यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे। अगर अदर जैसे कुछ ट्रेड हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था 6 ट्रेड के बारे में, वो ट्रेड और उनके पास 8 क्लास का नंबर है, 8 क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। और नहीं है तो 10th और आईटीआई का नंबर एंटर करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है ना, अच्छी खबर आप सभी के लिए। सभी परेशान थे कैंडिडेट कि 10th का 8 क्लास का मांगा जा रहा है और हमारे पास है नहीं, गलती का कर देंगे और तो वहां पे मांगेगा, मान लीजिए गलती से हम कुछ भी डाल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो जब वहां पे डीवी के लिए नाम आ जाएगा तो जाएंगे तो वहां पर हमारा फॉर्म जो है फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी बात आप सभी के लिए है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चिंता मत करिए, आपके कंप्लेन हम कर देंगे, कंप्लेन किए और ये जो है सुधार हो चुका है। अब आप सभी निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए। जो कैंडिडेट पहले से फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्म नहीं भरना, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सबसे पहले फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म पहले भर दें, सर्वर क्लोज हो जाएगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है फॉर्म आप जो पहले से भर दिए हैं वो आप उनका मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर दिए तो मेरिट जो बनेगा 10th और आईटीआई के आधार पर बनेगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3115 पोस्ट अप्रेंटिसशिप है, थोड़ा तो जानकारी ले लेते हैं जो कैंडिडेट को जानकारी नहीं है। 27 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 26 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जो भी कैंडिडेट नहीं अभी भरे तो भरना शुरू हो गया है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हावड़ा डिवीजन है, और भी कई सारे डिवीजन है, जैसे लीलवा वर्कअप है, नीचे आएगा तो और भी कई सारे हैं, सियालदा है, सियालदा से भी अप्रेंटिसशिप है, कंचरा पारा है, वर्कशॉप है, और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मालदा डिवीजन है, और एक और है शायद एक है आसनसोल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जमालपुर वर्कशॉप है, यहाँ से कैंडिडेट है। ठीक है, बस इतना है। ठीक है, इतने देख लीजिएगा जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। प्रेफरेंस पूछा जाता है, पहले कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। मिनिमम एज 15 साल रखा गया, मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल तक का छूट मिल जाता है। क्वालिफिकेशन में देखिए मांगा गया है 10th विथ 50% मार्क्स और आईटीआई जो कि एनटीसी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीबीटी एससीबीटी कहीं से होना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बताया गया है यहाँ पर 10th जो कि यहाँ पे देखिए कहा गया ऑप्टेन मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन 10th और आईटीआई के वेटेज यानी बूथ के एवरेज के आधार पर बनेगा। यहाँ पे देखिएगा 1/2 कर दिया है, पहले 10th और आईटीआई मार्क्स जोड़ करके 2 से भाग दे करके आपका एवरेज बना करके मेरिट बनता है। फॉर्म भरने का 100 रुपये का फीस भी है, एससी एसटी पीडब्ल्यू और वीमेंस कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने का फीस नहीं है, बाकी सभी का फीस यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, चेकआउट कर लीजिए, फॉर्म भरने की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार जाइए विजिट करें तो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अंक के साथ। दोस्तों शेयर कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ये रेलवे अप्रेंटिसशिप के साथ साथ और भी कई सारे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी भरा जा रहा है, चेक करके भर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।